बस इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कनेक्ट अपने विंडोज मशीन पर आ जाना है। कई सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, विंडोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडोज मशीन पर आने के बाद मैं विंडोज मशीन का इसलिए यूज करूँ ताकि कैसे जो स्क्रीन है, जो भी यहाँ पर मैं वर्क करूँ वो आपको सही से दिख पाए, आप समझ पाए। ओके, तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पर गाइस आपको तीन वेबसाइट की जरूरत पड़ने वाली है। जो पहली वेबसाइट होगी गाइस उसका नाम है कोडुलर, और जो दूसरी वेबसाइट होगी गाइस उसका नाम है वन सिग्नल, और जो तीसरी वेबसाइट होगी उसका नाम है फायरबेस, फायरबेस कंसोल। ठीक है, इन तीनों वेबसाइट की मदद से गाइस हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और पूरा हम सोलर वाइन अटैक को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या गाइस, कोडुलर से हम एक डेमो, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपल से करना क्या है, कोडुलर पर आना है और कोडुलर पर अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल से यहाँ पर क्रिएट कोडुलर डॉट आईओ, यहाँ पर आप आ जाओगे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ डेमो वी। ठीक है, ये दे देता हूँ, डेमो भी दे देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसके बाद इसको नेक्स्ट करूंगा, सिंपल से आपको फिनिश कर देना, बाय डिफॉल्ट जैसा कि है वैसा कि वैसा आपको रख देना है। जैसे आप डेमो को क्रिएट कर लोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो आपके सामने कुछ ऐसे स्क्रीन आ जाएगी जो कि मोबाइल की स्क्रीन होगी, और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे पैनल्स आ जाएंगे। सबसे पहले करना क्या होगा गाइस, हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें तो ऐड करनी होगी ताकि गाइस हम विक्टिम को दे सके और विक्टिम उसे यूज भी कर सके। एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं इसमें कर रही हूँ क्या, एक वेब व्यू फंक्शन को ऐड कर देंगे ताकि क्या होगा गाइस, विक्टिम उस वेबसाइट को यूज करता रहेगा और अपने एप्लीकेशन के द्वारा उस वेबसाइट को यूज कर पाएगा, और विक्टिम को लगेगा नहीं कि ये एप्लीकेशन सिर्फ ब्लैंक ही है, दिखने का ही एप्लीकेशन है, ऐसा उसे लगेगा नहीं। ओके, तो सिंपल से आपको बोला कि यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वेब व्यू फंक्शन को। ओके, यहाँ पर आप देख लो वेब व्यूअर है, सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर होम यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको होम यूआरएल पर क्लिक क्या करना है, आपको जिस वेबसाइट का यूआरएल देना है, लाइक फेसबुक का देना था तो फेसबुक का दे सकते हो, किसी न्यूज वेबसाइट का भी दे सकते हो, कोई भी वेबसाइट का आप यहाँ पर यूआरएल दे सकते हो ताकि उस एप्लीकेशन के अंदर वो वेबसाइट इंजेक्ट हो जाए। तो एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं करता क्या हूँ, अपनी खुद की वेबसाइट लिनक्स एंड्रॉइड डॉट कॉम यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। वेबसाइट को देने के बाद गाइस आपको सिंपल से आप करना क्या होगा, एक और चीज आपको ऐड करनी होगी जो कि होगा पुश नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर दोबारा आपको सर्च करना है पुश एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको भी सिंपल से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसके अंदर। इसको जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो गाइस यहाँ पर आपके पास तीन स्क्रीन होगी, अगर आप स्क्रीन का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप स्क्रीन का नाम भी चेंज कर सकते हो, दूसरे यहाँ पर आपका वेब व्यू फंक्शन होगा जो कि स्क्रीन के ऊपर रहेगा, और तीसरा पुश नोटिफिकेशन जो कि बैकग्राउंड में चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस आपके सामने एक चीज पूछ रही है यहाँ पर, वन सिग्नल ऐप आईडी, आपको वन सिग्नल की ऐप आईडी यहाँ पर पेस्ट करनी होगी तभी पुश नोटिफिकेशन सही से वर्क कर पाएगा। ओके, अब वन सिग्नल की वेबसाइट पर हम चलते हैं, सिंपल से आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल से इसके अंदर लॉग इन हो जाता हूँ। अकाउंट के अंदर जैसे आप लॉग इन होगी तो गाइस आपको सिंपल से करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते न्यू ऐप वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको, आप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो या फिर वेबसाइट के लिए, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, आईओएस एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हो, गूगल हम एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल से मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारे एप्लीकेशन का नाम है डेमो वी, इसको मैं यहाँ पर नाम क्रिएट करूंगा और सिंपल से कॉन्फिगर योर प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फायरबेस सर्वर की पूछ रहे हैं और फायरबेस सेंडर आईडी पूछ रहे हैं, हम चलेंगे क्या गाइस फायरबेस कंसोल में चलेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो सिंपल से ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, सिंपल से आपको करना क्या होगा प्रोजेक्ट सेटिंग में चलना होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते जनरल और एक क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन है, तो क्लाउड मैसेजिंग पर आपको क्लिक कर देना है, और ये जो यहाँ पर आप देख सकते सर्वर की है इसे सिंपल से आपको कॉपी कर लेना होगा, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको एप सिग्नल वन सिग्नल के अंदर आना है, सर्वर की में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, दोबारा यहाँ पर आना है और सर्वर आईडी है सेंडर आईडी इसको कॉपी करना है, और सिंपल से आपको यहाँ पर इसे पेस्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस हमारा नेटिव एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसका सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ऐप आईडी है, इसको कॉपी कर लीजिए ऐप आईडी को और सिंपल से इसको डन कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डन सक्सेसफुल हो चुका है। ओके ओके, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम करेंगे दोबारा कोडुलर पर चलेंगे, और यहाँ पर वन सिग्नल की आईडी थी वो सिंपल से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंड गाइस पेस्ट करने के बाद
सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते प्रोजेक्ट टेस्ट एक्सपोर्ट, तो अब आपको करना क्या होगा, टेस्ट एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपके सामने एंड्रॉइड ऐप बंडल का ऑप्शन है और एक एपीके का ऑप्शन है, तो हमें एपीके चाहिए तो एपीके पर हम क्लिक कर देंगे। एपीके पर जैसे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एपीके बनना स्टार्ट हो चुका है। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार इस एप्लीकेशन को कंप्लीट हो जाने देते हैं, इसके बाद हम हमारे मोबाइल पर भी इसे इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, और यहाँ से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पुश नोटिफिकेशन सेंड करके भी। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यहाँ से आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर इस यूआरएल से भी आप अपने दूसरे मशीन पर डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कहा इस यूआरएल से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं सिंपल से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद हम हमारे मोबाइल पर चलते हैं, फाइल्स मैनेजर को ओपन करता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो डेमो वी है, जो कि हमारे अभी कोडुलर से बनाया वो एप्लीकेशन है, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे इस वाले मोबाइल के अंदर। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे डन कर लेता हूँ, मिनिमाइज हो जाता हूँ, और ये एप्लीकेशन को मैं बाहर स्क्रीन पर ले आता हूँ। अब गाइस हम चलते हैं वन सिग्नल की वेबसाइट पर, और अब मैं एप्लीकेशन को टैप करके ओपन करता हूँ। हमने गाइस हमारी वेबसाइट का यूआरएल दिया था linuxandroid.com का, देखते हैं कि वो वेबसाइट इसके अंदर इंजेक्ट हुई है कि नहीं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वो इसके अंदर एड हो चुकी है, इसके अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप विक्टिम इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, जो भी यहाँ इसके न्यूज वगैरह होंगी वो यहाँ से उसे रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पुश नोटिफिकेशन है वो सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं। मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ। वन सिग्नल पर आना है, और वन सिग्नल पर आने के बाद आपको सिंपल से करना है मैसेज पर क्लिक कर देना है यहाँ से, और मैसेज पर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन को क्रिएट करना होगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू पुश है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सेंड टू सब्सक्राइब यूजर या फिर सेंड पर्टिकुलर सेगमेंट। तो आपको सेंड टू सब्सक्राइबर यूजर है उसी पर आपको कर देना, कोई उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे आता है टाइटल के अंदर, तो टाइटल के अंदर आप दे सकते हो दिस इज फ्री कॉइन, ओके इतना सा दे सकते हो। मैसेज में आप दे सकते हो ओके आप अपने अकॉर्डिंग अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगाकर आप दे सकते हो। मैं फिलहाल डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन विन ओके 10,000 1,000 ओके आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, इसे सारी चीजें कर सकते हो। ओके यहाँ पर आपके सामने इमेज का यूआरएल भी आता है, तो सिंपल से अपलोड पर क्लिक करता हूँ मैं, और एक कोई डेमो इमेज है मेरे पास अवेलेबल है दिखाने के लिए गाइस आपको, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद गाइस हमारे जो कोर्सेज है उसकी एक मेरे पास इमेज अवेलेबल है, तो मैं उसको सिंपल से पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी इमेज यहाँ पर आप लगा सकते हो, जो भी इमेज आप देना चाहते हो वो सिंपल से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने डेमो पर्पस के लिए आपकी ये दिखाई है। ओके इसको एक बार अपलोड हो जाने देते हैं। ओके इमेज को अपलोड होने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च यूआरएल, आप चाहो तो यूआरएल को भी लॉन्च करा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यूआरएल का ये, अगर आपके पास कोई अपनी फिशिंग वेबसाइट है, अगर यहाँ पर फिशिंग आपने यूआरएल बना रखा तो वो यूआरएल भी यहाँ पर आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर google.com ही दे देता हूँ, या फिर अगर आप वेब भी या फिर अगर आप डीप लिंक बना रखे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर आप डीप लिंक भी बना सकते हो, ताकि जैसे इस यूआरएल पर कोई क्लिक करे आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए। ओके इतना सा करना है, लार्ज आइकन जैसा कि रहने देना, आपको कुछ छेड़ना नहीं है, इन सब चीजों को आप ऐसे की ऐसे रहने दीजिए, आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ओके और सिंपल से आपको करना है नीचे आना है, और रिव्यू एंड सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंड मैसेज, ठीक है। एंड सेंड मैसेज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो रहा है। ओके और गाइस आपने देखा मेरे मोबाइल के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आप देख सकते हो एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अगर मैं इस नोटिफिकेशन को अगर आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज फ्री कॉइन, यू कैन विन 1,000, और हमने जो इमेज लगाई थी गाइस वो यहाँ पर आ चुकी है। आपने देखा होगा गाइस बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती है, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई और एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपको ऐसे आपको टास्क दिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपने वो आपको कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं जहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई जाती है, तो वो भी इसी तरह इसी मेथड को यूज करके आपको दी जाती है। इसके अंदर गाइस अगर आप हैकर्स के नजरिए से देखोगे तो आप इसके अंदर कोई भी यूआरएल दे सकते हो। अब मैं इस पर क्लिक जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर आप देख दो हमारे पास google.com ओपन हुआ। चाहता तो गाइस मैं इसके अंदर और कोई वेबसाइट भी इंजेक्ट कर सकता था, वही वेबसाइट हमारे सामने ओपन होती। तो इस तरीके से आप सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, सोलर माइंड अटैक का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर गाइस मैंने इन सारी चीजों को आपको कंप्लीट दिखा दिया था, किस तरह से आपको सेटअप करना होता है, किस तरह से इस चीज को करना होता है। अब आप अपने अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्रिएटिविटी को किस तरह से यूज करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।